पैसा नहीं आ रहा ऑप्शंस नहीं मिल रहे नहीं फिर वो तो लंबा पॉलिट ना थोड़ी देखिए हमारा हॉरोस्कोप इस केस में क्या प्रॉब्लम है क्या हेल्थ है इश्यूज है क्या नेगेटिव एनर्जी है अभी वो उतार दीजिए माला उतार अभी हम ये ना ग्रह चेक कर रहे हैं ग्रह कैसे करके ऐसे देखिए कुंडली में का दोष है ठीक है कि अभी आप ना इसको पकड़े ठीक है कुंडली जन्म की कुंडली होती है एक कर्मों की कुंडली होती है क्लियर हो गया ना तो ये कुंडली हम आप देखते हैं अभी तक आपकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है ग्रहों में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है ठीक है तो ये कैसे चेक करते हैं अभी मुझे एक दे दीजिए चलो दोनों को मैं तो शुरू करता हूँ अभी मैं सूर्य देखता हूँ सूर्य का विषय सूर्य ठीक है सूर्य ग्रहों में क्या प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही आ रही है अभी सब शांत हो जाएंगे कुछ बोले जाएंगे सूर्य तो उनका अच्छा है कितना डिग्री वो पंक्त करो बढ़िया सर 80% है देखिए कर्मों की कुंडली भी होती है एक कुंडली होती है जन्म की कुंडली जैसे जब आप जन्म होता है तो निर्भर क्या होता है कि कर्म लेके आता है पिछले जन्म के लेकिन आपने इस जन्म में तो कर्म किया ना प्लस माइनस पक्का होएगा उसी आधार पर ग्रह होंगे प्रैक्टिकल आज के कई बार हम कुंडली देखते हैं हम देखते हैं कि गुरु की दशा चल रही है गुरु लग्न में बैठा है फिर बंदा प्रॉब्लम है होता है ना से तो कुंडली में नवाश में भी अच्छा है अभी हम चरित में जाते हैं वो भी अच्छा है लेकिन गुरु प्रॉब्लम में क्यों है दशा गुरु की चल रही है और लेकिन उसमें हम जब स्कैनर देते हैं गुरु नेगेटिव दे रहा होता है या तो उसका उसकी जन्म की कुंडली से गलत हो या उसका उसे कर्म गलत हो कुंडली और गोचर पर नहीं गोचर भी देख लो वो भी देख लो कुल मिला के ये थोड़ा सा बता रहा हूँ कर्मों को भी हिसाब किताब कैप्चर कर लेता है मंगल देखेंगे मंगल कैसे आता है मंगल कैसे रवि उच्चा का है चंद्र नीचा ओपन आता था धीरे धीरे ओपन होता है ओपन आता था 35% ऊपर होता है मतलब मंगल दशा आपके ना 25% 30% बुक करती है खुलती है देखो आप तो खुद ही ज्योतिषी हैं इस विषय तारीख से बहुत देर गया है बहुत अच्छा आपका बहुत बढ़िया सर बहुत एक्सीलेंट मतलब व्यवहारस्त्र बहुत देखो व्यवहारस्त्र बहुत व्यवहारस्त्र अजी बहुत बिजनेसमैन है शार्प दिमाग शार्प दिमाग को बिजनेसमैन नहीं है नहीं वो लगवा नहीं अभी देखो मैं बताऊं मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि आपने पूछा कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है मैंने कहा मंगल आपका ऐसे खुल के धीरे से खुलता है धीरे से खुल रहा सही नोट किया हमने दशा मंगल की चल रही है तो अभी मैं उसके बाद देखूंगा अभी मंगल की महादशा में अंतर दशा कौन चल रहा है वो देखूंगा इसमें वो भी देखेंगे ना हम लोग तो कहां प्रॉब्लम है वो देखूंगा अभी ठीक है ना वो अभी गौर से देखिए देखो बताने वाला परमात्मा है ठीक है ना बुद्ध देख लिया मैंने ना सही सब्जेक्ट पकड़े सब बुद्ध हो गया हां अभी मैं गुरु देखता हूं ये नहीं गुरु बुला के अब मुझे बताना था कुछ भी पहले मुझे कुछ नहीं बताना गुरु ने सही लगा प्रोडक्ट चंद्रमा से दसवें स्थान में और उसका जो स्वामी है मंगल धनुराशि में बैठे मस्त मंगल वहाँ पर नीच बंग राज तो गुरु कहाँ बैठे मकर में बैठे कौन से भाव में दसवा दसवा भाव में नहीं लगन से दूसरे भाव में चंद्रमा से दसवा भाव में लग्नाधिपति दूसरे भाव में अभी हम देखते हैं नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पल भर में लगता है भी गुरु नीच का है लेकिन आप देखिए यहाँ गुरु ने स्ट्रोक बता दिया इसने तो आपकी कुंडली में वैसे बताऊ आपको दूसरे भाव में गुरु है आपका ऐसे बोला गया कि गुरु जिसके दूसरे भाव में हो वो आदमी धर्मात्मा होता है ऐसे बोला गया है
जो लाल साहब के जो नियम है ना, वो बोला गया कि आदमी धर्मात्मा होता है असल में, अपने जिंदगी में धर्म के काम करके जाता है अपने जिंदगी में, तो ये पक्की बात है। लेकिन जहां पर दूसरे मकर राशि में नीचमत राजयोग हो गया, तो इसलिए गुरु इनका स्ट्रोंग बता रहे हैं, और अगर आप गुरु स्ट्रोंग नहीं होता तो आपका ये फेस भी ना होता, सवाल ही नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन बात अगर नीच का गुरु होता, लेकिन बात है तो ये फेस नीच का गुरु का है ही नहीं, और ये भी कुंडली इसने भी क्लियर बता दिया। अभी हम देखेंगे इनका शुक्र, शुक्र शुक्र भी ठीक है इनका। सर मंगल कहाँ बैठता है आपका? मंगल लग्न में, लग्न में बैठता है। अच्छा मंगल लग्न में बैठ गया, लेकिन ये बारहवें घर का स्वामी है, ठीक है ना। अच्छा वो थोड़ा सा यही पर फैक्ट्स आता है, समझ गया, क्लियर हो गया, ठीक है सर। दशा मंगल ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। दूसरा नहीं अभी सर, आज में एक चेक करवा दीजिए सर, हमारा सबको पैसा देते हैं नहीं देते नहीं, वो दूसरा सैंपल का, तो जूस है नहीं है, समझ गए, वो सैंपल दूसरा है, ये नहीं है। ठीक है शनि, शनि भी का ठीक है, ऐसा बुरा नहीं है इनका शनि, मतलब 70% 70% खुला हुआ है इनका सैंपल, बुरा बैड रिजल्ट नहीं दे रहा, काम रहता सर, पैसा नहीं आता है ऐसे नहीं सर, 60% सर 60% ओपन हो रहा है, मतलब नेगेटिव नहीं है, 100% नहीं है लेकिन नेगेटिव नहीं है। लगन में बैठ गया ना, लगन तो सही नहीं होता था, मंगल के साथ बैठ गया, अभी कौन सा योग बन गया, मंगल राहु बैठ गया लगन में, समझ गए, तो धनु लगन है, राहु बैठ गया तो ये तो नेगेटिव असर कर रहे हैं ना, तो इसको आपने कहीं ना कहीं उपाय करिए हर हालत में, ठीक है ना। तो लगभग ना ये कुंडली का विश्लेषण हो गया। अभी अगर अभी आपके चल रही है मंगल की दशा, ये कह रहे हैं ना। अच्छा जब राहु की दशा थी, क्या पोजीशन थी? राहु के अंतरदशा में, विषय दशा राहु भुक्ति में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा आपका, तो इसका मतलब है कि राहु मेरे हिसाब से इनका गलत है, मेरे हिसाब से मंगल गलत है, इनका दो ग्रह प्लैनेट्स इनके गलत है। तो मंगल द्वादशेश हो गया, और कौन सा हो गया? द्वादश और पंचम भाव और पंचमेश, द्वादश लग्न में बैठे, लग्न स्तर, लग्न स्तर। तो मेरी बात वो गौर करेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हमने ये देखना है कि ये तो होगी कुंडली, इसकी और असल कुंडली बोलते हैं। अभी हमने ये देखना है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, तो वो दशा कैसे चल रही है, फिर क्या उपाय करें कि मंगल आपका अच्छा कर दे, है ना। उपाय हमारे पास कहीं होंगे, समथिंग दान पुण्य जो कुछ भी करते हो आप, कौन सा उपाय ऐसा करें कि आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आए, आपके पास मंगल दशा आपके बहुत भाग्यशाली हो, ठीक है। अब आपने सिर्फ मन में उस उपाय को सोचना है मैं जो बोलूंगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आपके मन की इंद्रियों को पकड़ लेगा, ये समझ गए मेरी बात, ऐसे ऐसे होता है। तो दूसरा सिस्टम होता है कि मैं उस उपाय को मास के बल साथ कंपैटिबिलिटी करूं उनकी बॉडी से, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि आपकी दशा में अंतर दशा की क्या पोजीशन है, अभी मंगल में क्या चल रहा है, जो मां दशा हो वो मुझे राइट में लगाना है, जो अंतर दशा हो वो मैंने लेफ्ट में लगाना है, बुध मंगल में मतलब इसमें तो 25-50% खुल रहा है मंगल बुध में, मतलब फिर भी ठीक गई, ठीक मतलब ठीक गई, अच्छा नहीं है, थोड़ा सा थोड़ा कन्वेंट है ना सर, कोई एनर्जी हो सकता है ठीक कर रही है, कोई उपाय ठीक कर रहे हैं इनको, लेकिन ये ऊपर नीचे जा रही है, नॉट बैड सर, हाँ नॉट बैड, मुझे कह सकते अभी तो चलो चालू हुई, खत्म होता मार्च में, मार्च में, उससे पहले क्या थी? शनि का, शनि का मैंने मार्स से डाला ना, मार्स से एक मैंने डाला। अब अगली कौन सी है? अगली अगली शायद केतु होगा, हां केतु, हां शनि वो इतना ठीक था आपका, बढ़िया नहीं, एक साल पूरा गया, ये बढ़िया नहीं था ना, मंगल शनि पूरा लास्ट करके छोड़ा, बस सही है सर, ओके सर, मिल रहा सर, घर से गायब हो गया मंगल और शनि। लेकिन अभी हम देखते हैं अभी अगली दशा कौन सी, केतु, केतु
ठीक है ना, अभी मैं केतु डालता हूँ, केतु डालता हूँ ठीक है ना। लेकिन इसके बाद हमने देखना कि मंगल कैसे ठीक होएगा होना चाहिए, ठीक है। केतु बढ़िया जाएगा सर आपका, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होता केतु, मंगल केतु, केतु कुछ नहीं होता, पक्की बात है। जो भी है ना, केतु बढ़िया चल रहा है, मंगल पे केतु आपका बुरा नहीं जाएगा, ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो कोई कंडीशन आदमी है ना, मैं बताऊँ सर कि अभी कुंडली कह रही होती है भी ये ऐसे होएगा, स्कैनर क्या होता है ऐसे होएगा, एक्चुअली में क्या हो रहा है वो भी देखना है ना, वो भी देखना है ना, क्या पूछ रहा है मेरे। हाँ जी, अच्छा जो मैंने बताया रिजल्ट आ गया, ऐसे है ना सर। तो अभी मतलब हमने देखेंगे कि इनको कौन सा उपाय करे कि इनका बिजनेस, अगर आप मतलब ज्योतिष के अलावा कुछ और भी करते हैं। नहीं सिर्फ एक प्रोफेशन ही छोड़ा अभी, पहले शुरू से शुरू से शुरू से अलग करता था बिजनेस, छोड़ दिया। अच्छा, अगले फील्ड में 4-5 साल हो गए, ठीक है, यही प्रोफेशन बना, खानदानी था लेकिन बीच में नहीं करते। अभी ना मुझे क्या करो, अभी इन्होंने कोई स्टोन भी डाले हुए हैं, वो भी चेक कर, आप खुद चेक कर रहा हूँ तो समझ गया, वो खुद ही चेक कर रहा कौन सा स्टोन शूट करता है, जो शूट करता है नहीं वो डाल रहा, नहीं मैं अभी खुद पाई कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं मंगल कर रहा हूँ ना, मैं नई चीज डाल रहा हूँ, स्टोन तो आपको समझ आएगी। अभी ना एक काम करिए सर, एक काम करिए, मुझे ना कुछ कागज दीजिए, कोई भी पेपर दे नहीं रकम ठीक है, तो बाद में एक पेपर ले ले दे बड़ी एक मिनट पेन ले, ऐसे ऐसे से रखना सर। आप ऐसे करिए सर, मतलब आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, दान करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है ना। आप ना अपने मन में सोचिए कि जो जो आपके मन में है ना, आप तो खुद जो सोचिए वैसे ज्यादा आप जान लोगे। मैंने ना अभी मंगल का डाला है, मंगल का पूरा, ठीक है, दोनों मंगल का। जैसे ही आप ना इधर देखोगे ना तो आपका प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ मन में सोचिए, पहले ना अपने इश्क को याद करिए, अब आपको ये उपाय सोचिए कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ, कर दिया किया मैंने, ठीक है, और उसी उपाय में रखिए, ठीक है, आगे मत रखिए। अब आके कॉल लीजिए, ये उपाय नंबर एक है आपका, ठीक है, याद रहेगा, ध्यान लिख लीजिए जो तो नहीं। अब फिर दोबारा आके बंद करिए, अब उपाय फिर सोचिए, ठीक है, अब आके खोलिए, अब दो नंबर पाए, अब बताइए पहले नंबर पाए में आपने क्या सोचा, आपने मोर किया भी पहला चला था दूसरा चला था, कौन सा चला था ज्यादा, दूसरा पहला 70%, दूसरा 35%, ओके। तो पहला क्या सोचा था, मंत्र का, मंत्र किस चीज का, मंत्र मंगल का, जो भी मंत्र है मंत्र, जो हनुमान जी का मंत्र, जो भी मंत्र, ये आपको सेकंड में क्या आ रहा था, दान देना, नहीं आप मंत्र करिए, इसमें क्लियर हो, दान तो दान दे सकते हैं, दान धर्म पड़ो, दान धर्म देने के लिए दान, सेकंड सेकंड ऑप्शन रेमेडी सलाह अभी ना देने के लिए, देखिए मैं फिलहाल नहीं, मेरी बात समझिए, तो आपको किस में फीलिंग ज्यादा आएगी, मंत्र में, मंत्र 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 में आएगी ना, मेरे को फॉलो करिए। अब जैसे ही मंत्र किया ना, अब मंत्र करते हैं अभी, हाँ, तो ये छोड़ना नहीं आपने, वो इसका रीजन क्या है मैं उसका बड़ा रीजन बताता हूँ। आपके मंगल के साथ राहु बैठ गया लग्न स्थ में, अभी इसने मंगल दशा चल रही है, केवरी मंगल को राहु ऊपर चढ़ जाता है, अगर हम लाल दाव की बात करें ना, तो ये होता है हाथी और मेवावत होता है, वैदिक में करें तो ये भी गलत होता है, तो कहीं ना कहीं इनकी जूती गलत होती है, मंगल राहु जूती कौन सी बढ़ी है, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि राहु अपना असर दिखा दे मंगल के ऊपर, हाँ, लेकिन अभी आपने देखा था, ये कुंडली देखी थी कि इसका मतलब है मंगल का मंत्र राहु कैसे जा रहा था, लेफ्ट जा रहा था, इट्स ओके। अब आप आंखें बंद करके राहु का उपाय सोचेंगे, ठीक है, कुछ भी सर, आपने बिल्कुल सच्ची हृदय से सोचना, एकदम बढ़िया सोच रहा हूँ, राहु का कोई भी उपाय सोचो, आंखें बंद ही रखें, एक शांत रहें, कोई किसी आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे कान में, बहुत जरूरी है, आप शांत रहें, तो कोई राहु का उपाय सोचे कर रहे,
बस आगे बोल लीजिए। अब राहु को दूसरा भाई सोचिए, सेकंड रेमेडीज ऑफ राहु सोचिए। आप खोलिए आंखें, खोलिए बताइए पहला क्या बोला था, दूसरा क्या बोला? पॉजिटिव। अजी पहला क्या बोला? पहला इसे मंत्र, मंत्र तो दूसरा दान धर्म, दान। अब राहु का ये दान करेंगे, मंगल का मंत्र करेंगे, राहु का दान करेंगे, राहु का मंत्र नहीं करेंगे। एक ही नहीं कर सकते हम दोनों, चाहे तो भी एक ही नहीं कर सकते। हाँ, राहु का दान करना ये बहुत जरूरी है। लग्नस्थ राहु है, लग्नस्थ राहु आपके शरीर से निकलना चाहिए। मुझे तो नहीं पता, नोट किया आपने? ठीक है।